नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों। कोरोना वैक्सीन पर डीसीजीआई ने किया बड़ा ऐलान। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अंतिम मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताते हुए कहा कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है वो भारत में। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्हें बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं, इसलिए फिलहाल वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार बनती है तो सबको फ्री में मिलेगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश उपचुनाव के करीब 53 दिन बाद शिवराज सरकार का तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा। आज तमाम राजनीतिक चर्चाओं के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 से 3 मंत्रियों को शपथ दिला सकती हैं। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अभी और बारिश होने की संभावना जताई। बिहार में कोरोना महामारी के बीच अब स्कूल खोले जा रहे हैं। एक दिन में अधिकतर 18 लाख विद्यार्थी आ सकेंगे। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इनमें से हर कक्ष में आधे ही बच्चे एक दिन में स्कूल आ पाएंगे। गाजियाबाद में एक शमशान घाट का लेंटर बारिश के चलते गिर गया। हादसे में 18 लोग मलबे में दब गए, जबकि 15 लोगों के शव अभी बरामद कर लिए गए। फिलहाल अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भागलपुर में 7 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। लोगों को आते देख आरोपी भाग निकला। गंभीर हालत में बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तमिलनाडु पुलिस ने लोन ऐप रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने चीन के 2 नागरिक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए चारों शख्स ऐप के जरिए ज्यादा ब्याज पर लोन देते थे और वसूली के लिए धमकी भरे कॉल भी करते थे। भारी बर्फबारी के बीच 500 पर्यटक फंस गए हैं। मनाली में जोरदार बर्फबारी होने से 500 पर्यटक अटल टनल और सोलांग नाला के बीच फंसे हुए हैं। फिलहाल बर्फबारी से करीब 12 किलोमीटर का रास्ता बंद हो गया है। पर्यटकों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट किया है। मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री शीटर बदमाश गुड्डू के पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। बहराइच में देर रात 2 घरों में आग लग गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग की चपेट में आने से 4 लाख का सामान जलकर रहा। उन्नाव के 12 गांव में बच्चों के बीच खेल के दौरान हुए झगड़े और इसके बाद घर में की गई शिकायत से किशोर इतना डर गया कि आगे जाके वो ट्रेन के सामने छलांग उसने लगा दी है। शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के बाद घर में कोहराम मच गया। और वहीं दाऊद इब्राहिम के गुर्गे अब्दुल माजिद को जमशेदपुर पुलिस अब रिमांड पर लेगी। इसके लिए यहां से एक टीम गुजरात जाएगी और मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी दाखिल करेगी। टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल एक 18 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा। जबलपुर में 2 लोगों के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटके मिले, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर में 7 वर्षीय अभिषेक की अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी है। बच्चे के परिजनों से 7 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर लिया है और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। राजस्थान के सीकर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया है। यहां पर 2 मंजिल मकान की छत से चोरों ने 140 कबूतर और 50,000 रुपए की नकदी चुरा ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चोरों की तलाश की जा रही है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सीक्रेट इनपुट पर एक अफगान नागरिक को 90 हीरोइन टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। दिल्ली में एनसीबी ने 2 विदेशी तस्करों को 22 करोड़ की हीरोइन के साथ किया गिरफ्तार। दोनों तस्कर जिम्बाब्वे के रहने वाले हैं। लखनऊ में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने की आत्महत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। पटना में शराब के नशे में धुत तेज रफ्तार कार सवार ने पहले 3 से 4 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 की आलोचना लोग लगातार कर रहे हैं, जिसके बाद वरुण ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हर चीज तो हिट नहीं हो सकती। टीवी एक्टर शिव कुमार हाल ही में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसके बाद बेटी राजसी ने खुलकर उनसे बात की है और उन्होंने इंडस्ट्री पर गंभीर आरोप भी लगाए। यूके में बढ़ते नए स्ट्रेन के प्रकोप के चलते हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद टीचर्स यूनियन ने मांग की है कि अभी 2 हफ्ते स्कूल बंद रखे जाएं। फिलहाल 5 मिनट में 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।